तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉग्सपीडिया में। हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बुल मैस्टिफ के बारे में। सो दोस्तों, बुल मैस्टिफ के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुल मैस्टिफ का ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम से है। इन्हें मिड 19th सेंचुरी में ब्रीड किया गया था, अराउंड 1860 के आसपास। बुल मैस्टिफ को इंग्लिश गेम पर्स ने ब्रीड किया गया था, जिन्हें लार्ज साइज का वाइट और फियरलेस डॉग चाहिए था, जिसकी इतनी स्पीड हो कि वो पोचर्स को ट्रैप कर सके और इनका उतना स्ट्रेंथ भी हो कि वो उन्हें वहां पर पकड़ के रख सके। बुल मैस्टिफ की ब्रीड को इंग्लिश मैस्टिफ और ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग, जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इन दोनों को क्रॉस करके ब्रीड किया गया था। बुल मैस्टिफ को इंग्लिश मैस्टिफ से उसका लार्ज साइज मिला और ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग से करेजियस और फियरलेस बन गए। बुल मैस्टिफ को अमेरिकन केनल क्लब में 1934 में ऑफिशियली एज ए डॉग ब्रीड रिकग्नाइज किया गया था और AKC के डॉग्स की रैंकिंग में बुल मैस्टिफ नंबर 48 पर है। बुल मैस्टिफ फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से रह सकती है और एक घर में अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन जब ये पपी वुड में होते हैं तब इन्हें हमेशा किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। बुल मैस्टिफ मीडियम साइज फ्लैट्स और अपार्टमेंट में भी इजीली रह सकते हैं। ये लार्ज साइज के तो होते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयरली बार्क करते हैं। बुल मैस्टिफ बच्चों के साथ भी इजीली रह सकते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ ना रखा जाए तो ही अच्छा होता है। बुल मैस्टिफ को अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत पसंद होता है। ये अपने ओनर के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं और बहुत ही प्रोटेक्टिव भी होते हैं। बुल मैस्टिफ को एज अ गार्ड डॉग भी अपने घर में आप रख सकते हैं, जो अपनी फैमिली को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा। बुल मैस्टिफ में मेल्स की एवरेज हाइट 25 इंचेस से लेकर 27 इंचेस तक हो सकती है और बुल मैस्टिफ में फीमेल्स की हाइट 24 इंचेस से लेकर 26 इंचेस तक हो सकती है। बुल मैस्टिफ को वेट को देखे, मेल्स का एवरेज वेट 50 केजी से लेकर 59 केजी तक होता है और फीमेल्स का एवरेज वेट 45 केजी से लेकर 54। जैसे जैसे बुल मैस्टिफ ओल्डर हो जाते हैं, उनको कुछ डिजीज होने चालू हो जाते हैं। उन्हें हिप डिस्पेप्सिया और एल्बो डिस्पेप्सिया जैसे डिजीज होते हैं, लेकिन जो बड़े साइज की डॉग ब्रीड होती है उनके साथ ऐसा होना नॉर्मल होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बुल मैस्टिफ को बचपन से ही अर्ली सोशलाइजेशन की जरूरत होती है, क्योंकि नेचुरली गार्ड डॉग होते हैं और ये अपनी एरिया में आने वाले किसी भी छोटे डॉग या फिर किसी भी एनिमल पर अटैक कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से सोशलाइज करने के लिए आप इन्हें दूसरे पार्क्स में लेके जाए, छोटे डॉग से मिलाए और दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ भी मिलाए, जिससे कि ये अच्छी तरीके से घुल मिल सके। सोशलाइजेशन की तरह बुल मैस्टिफ को ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, ताकि आपकी बात को माना सीखे। बुल मैस्टिफ का शॉर्ट और डेंस कोट होता है और ये 3 कलर्स में आता है, रेड, फॉन और ग्रिंडल। ये लेकिन इनके ईयर्स और मजर हमेशा ब्लैक कलर के ही होते हैं। बुल मैस्टिफ के बाल सीजनली शेड करते हैं और उस वक्त उन्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है। इनका एवरेज लाइफ स्पैन 8 से लेकर 10 ईयर्स तक होता है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड बुल मैस्टिफ के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों, मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपको कौन सी भी डॉग के ऊपर इंफॉर्मेशन, दूसरी डॉग के ऊपर इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे उस डॉग का नाम कमेंट में बता दीजिए, मैं उस डॉग पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।